हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू श्रुति की रसोई तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ शादियों में मिलने वाली ये बेसन की चीला की रेसिपी जो कि बिल्कुल पनीर और वेजिज़ से भरी हुई रहती है स्टफिंग इसकी तो चलिए बिना किसी तरीके इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर जार में हमें एक कप बेसन डालना है चौथाई कप यहाँ पर सूजी डालेंगे चौथाई कप ही हम दही डाल देंगे और हाफ टी स्पून सॉल्ट हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और एक कप यहाँ पर हम पानी डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे देखिए बिल्कुल बैटर हमारा इस तरीके का बन चुका है इसे हम एक दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और कंसिस्टेंसी देखिए इसकी बिल्कुल इस तरीके की ही होनी चाहिए और इसे हम ढक कर पाँच से दस मिनट के लिए रस पर रख देंगे और अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वेजेस को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है गैस पर हमें तवा बैठाना है और उसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर गर्म करके थोड़ा सा तेल ड्रॉप करना है और टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से पोच लेना है और एक दो कलछी हमें यहाँ पर बैटर अब बीच में सेंटर पर रखना है और इस तरीके से हमें फैला लेना है और गैस का फ्लेम उसके बाद हमें लो कर देना है और अब लो फ्लेम पे ही हमें इस चीला को पकाना है तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ यहाँ पे तेल ड्रॉप कर दे रही हूँ ऊपर ऊपर ताकि जो चीला है वो ड्राई ड्राई ना लगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं केचप भी लगा दे रही हूँ उसके बाद हमें जितनी भी वेजेस कट किए थे उन वेजेस को हमें इसके ऊपर अब लगा देना है पारी पारी और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं पनीर ली हूँ और पनीर को भी ग्रेट करके इसके ऊपर लगा दे रही हूँ क्योंकि पनीर के बिना जो इसका टेस्ट है बहुत ही कम फीका पड़ जाएगा और थोड़ा सा फिर ये ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग छिड़क दिया है इससे जो है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा उभर के आता है गाइस और अब जो देखिए हमारा चीला जो है बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बन चुका है रेडी हो चुका है इसे मैं एक प्लेट में अब निकाल दूंगी और इसे पीसेस में अब कट कर दूंगी क्योंकि शादी पार्टी में आप देखे होंगे इस तरीके से पीसेस में हमें कट करके मिलती है और अब जो हमारा ये चीला है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है इसे आप सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हो बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट रहता है तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में